दूसरे के लिए काफी तो है, शांति से रह रहे हैं हम लोग। इसके साथ मतलब इसने जो परेशान किया, धाड़े मार मार के रात भर सोने नहीं देती थी तुम। हेलो, इधर ही खड़ी हूँ मैं। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वो तो अब तो तू बड़ी हो गई, सुधर गई, वरना पहले अरे बड़ा परेशान किया इसने, मैं बता रहा हूँ। और उस समय तो चलो मैं जवान था, मैं झेल गया, मतलब अब दोबारा से लोग क्या बोलेंगे, मतलब लड़की की जो है शादी के ऊपर निकली जा रही है, ये बुढ़ा बाप बनने पर। आप इतनी अड़ियल क्यों बन रहे हो, मतलब यार एक बार सोच के तो देखो, सोच लो ना एक बार अच्छे से। सोचा है तभी तो डर लग रहा है, बुढ़िया बुढ़ी हड्डियां चरमराने वगैरह लग जाएंगी, तुम समझो इस चीज को यार, अब नहीं रह गया वो। सोच के पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी रात को, तो तुम लोग कैसे करते हो यार मेरे साथ। वो अड़ियल है डेफिनेटली, पर उनकी लिस्ट में ना आप और मैं सबसे ऊपर है, मतलब उनकी खुशी से पहले, उनकी जिद से पहले, इनफैक्ट खुद से भी पहले यार। तो उन्हें जी आपको उनको बताने के लिए ना ये सब कोई स्पीच वीच रेडी करने की जरूरत नहीं है, आपको जो फील हो रहा है ना, आपके दिल में जो भी आप जैसा फील कर रही हैं बस वो बोल दो, ऐसे मान जाएंगे। मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि ये जो बच्चा है ना, मतलब जो होगा वो भी हमारा बच्चा होगा, वो यही हमारा बच्चा नहीं होगा, मतलब हमें तुम हमेशा हमारी बेटी, मतलब तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ कि तुम दोनों। हाँ नहीं, उस दिन तुम इतने घंटे रोई ना पता चलने के बाद, तो वो सोच के मुझे ऐसा लगा जैसे तुम। हाँ, वो पहले रोई थी पर इसलिए नहीं कि मैं खुश नहीं थी, मैं जेन्युइनली बहुत खुश थी। हाँ पर वो हमेशा अकेले रही हूँ ना, थोड़ी सी सेल्फिश तो मैं भी हूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि अब सिर्फ मैं डाडा के बच्चों नहीं रह जाऊंगी ना, कोई और भी आ जाएगा उनको डाडा बोलने के लिए, तो मैं इसीलिए थोड़ा रोने लग गई थी। पर देखो निया, जब तक आई नो, सीरियसली आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मुझे तो एक्चुअली बाद में स्ट्राइक हुआ कि मैं कितनी लगी हूँ यार, पहले सिर्फ डैड थे मुझे प्यार करने के लिए, उसके बाद आप आई और अब ये, तो हमारी फैमिली एक्चुअली बढ़ती जाएगी और ऐसे हमारा प्यार भी बढ़ता जाएगा, और इसको तो मैं इतना बिगाड़ने वाली हूं ना। मान जाएंगे डैड। पिंड की बात होती ना तो एक छितर मार के सही कर देती इसे, तेरे पति को। अरे बच्चे के नाम से ये हालत है, उस दिन बच्चा आएगा इसने तो हार्ट अटैक आ जाना है। बस करो माँ, उनकी भी तो गलती नहीं है ना माँ, मैंने तो शादी से पहले उनसे बात नहीं की, पहले बात करनी चाहिए थी ना, मैं उनका डर समझती हूँ, पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्यूट कैसे हो गुनी जी, मतलब इतनी बड़ी बात चल रही है और उसमें भी आप पहले डैड के बारे में सोच रही हैं, ऐसे करोगे तो फिर तो कोई भी पिघल जाएगा यार। प्यार से तो ये सारा चैप्टर शुरू है, देखना प्यार से ही ना सारा सॉल्व हो जाएगा। डैड आपकी बात टाल सकते हैं क्या? वही दोनों की दोनों, ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो और ये सोचो कि कैसे समझाएं उस खड़ूस को। आंटी आइए ना, आओ ना, आओ ना, चलिए चलिए चलिए। सोच देख, गुनी जी को ना थोड़ी सी टेंशन देना कम कर दीजिए, और दूसरा कबीर और मैंने ना एक प्लान बनाया है, तो रात को हम डैड को बताने वाले हैं, तो आप तो टेंशन लेना छोड़िए। अच्छा सुन कबीर, तू सब पहले से रेडी रखना, गुनी जी और मैं साथ में आएंगे और डैड बाद में आएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। और एक सेकंड, मुझे एक डाउट है कि क्या डाउट है कि चले एक सेकंड, मुझे जाना है क्या कहीं पे? नहीं वो मैंने घड़ी उल्टी पहन ली है, सॉरी। अरे तो बाद में पहनना यार, चलो गुनी जी हम चलते हैं। सुनो सुनो, बोलूंगा क्या अंकल को? क्या बोलूंगा क्या, मतलब सब तेरा ही प्लान है ना, तो कुछ तो सोचा होगा। प्लान नहीं सोचा है ना तो सोच ले, क्योंकि टाइम नहीं है। अरे पर एक मिनट तो रुक जाओ, मैं कह रहा था कि अगर वो अभी तुम लोग अंदर जाओगे फिर वहां से क्या हो रहा है अभी, क्या क्या हम बच्चे का फोन। हेलो गुनी जी, सब क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें पता नहीं क्या हुआ?
अरे अंदर आके देखो, जल्दी आओ जरा। हाँ आती हूँ। क्यों, वो अंदर बुला रहे हैं, क्या हुआ होगा? रिपोर्ट्स तो नहीं देख ली? रिपोर्ट्स तो मेरे पास है। अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं, अंदर चल के देख लेते ना क्या। चलो 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 देखते हैं कुछ तो। आप यहाँ पे सब ठीक है? आइए। ये बाहर पड़ी थे श्री घर पे रनिंग के लिए गए। अब श्री से मिलने हैं? नहीं, तुझसे मिलने आया था। बैठ, ये मिठाई लेकर आया हूँ तेरे लिए। मिठाई? हाँ। मेरे लिए? किस खुशी में? कोई अच्छा काम करने के लिए घर से निकलो ना तो। नहीं ठीक है, हो गया बस। हमेशा मीठा लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए। सुबह सुबह दुकान खुलवाई तेरे लिए, फ्रेश है बिल्कुल। छोड़ उसको, देख मिठाई बासी, लेकिन जो मैं बात करने के लिए आया हूँ ना वो ताजा है बिल्कुल एकदम। तो बात ऐसी है कि मैं अपनी बेटी के लिए तुझसे बात करने आया हूँ, मतलब तेरे रिश्ते की बात करने के लिए उसके साथ। ऐसे नहीं होता है। कैसे नहीं होता? ऐसे नहीं होता है। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे नहीं होता? मैं नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं होता। तूने क्यों नहीं मानेगा ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि निया नहीं जाती है। अच्छा, वो तो प्यार भी नहीं करती है। ऐसा नहीं है भाई, निया बहुत चाहती है तुझे। पर तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना निया। एक काम कर, मिल उससे, बात कर। अरे यार तू जाना उसके पास यार, प्लीज। बस जाके देखना ही तो है ना एक बार। मेरे जाने से क्या ही हो जाएगा निया। फोन उठा, कॉल कर उसे, बात कर। मैं तो यही बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कल कह सकती थी ना, जब मैंने सबके सामने कहा कि अब मैं स्वरा के साथ नहीं हूँ क्योंकि मैं निया से प्यार करता हूँ, और उसने क्या किया, मुंह मोड़ के चली गई। एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। नहीं होगा यार मुझसे, अभी नहीं होगा। न्यूयॉर्क और देख, तुझे जाके बस यही तो करना है ना, बस देखना ये कभी ठीक है कि नहीं है, प्लीज। फाइन, थैंक यू। कितना एक्सपीरियंस है तेरा लड़कियों को लेके लाइफ में? लड़कियां शर्माती वर्माती उस चीज का कोई स्कोप छोड़ के रखा है तूने? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, निया नहीं शर्माती। हर लड़की शर्माती है यार। आप जाइए, गुनी जी आपका वेट कर रही है, आपको लेट हो रहा है, मुझे भी ऑफिस जाना है, प्लीज। बात तो सुन मेरी। नहीं बात सुन, कोई बात ही नहीं है। बात सुन, सुन बैठ। देखिए मैं अपनी निया की तरफ से तेरा हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मैं सुन तुझसे पूछ रहा हूँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, नहीं। अरे यार प्यार करेगा उसको, अपनाएगा उसे? हाँ इतने प्यारे आप कभी नहीं लगे हो, और ना इतने प्यार से आपने कभी मुझसे बात की। कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है क्या? तो हाँ, मतलब हाँ समझो। पर मैं नहीं कर सकता, प्लीज
यार मत कर ऐसा यार, तू मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं यार, समझने की कोशिश कर यार, अब घर में कांड हो जाएगा। अरे एक वैसे ही एक औरत है, उसके हार्मोन बड़े पड़े, दूसरी दरवाजा बंद करके बैठी हुई है यार। मैं खाली हाथ गया, मतलब तेरे को पता नहीं घर पे क्या होगा यार, मत कर इस तरीके से। मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे तो नहीं होगा। अरे क्यों क्यों जनाजा निकलवाने पे तुला हुआ तू अपने प्यार का? यार मत कर भाई, मेल ईगो को साइड में रख। नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला ऐसे, प्लीज। अब प्लीज चलिए। किसी ने बोला है कि है शौक सफर ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। क्या मतलब? तेरी समझ के बाहर की बात है ना। ठीक अंकल, तो सुन ले, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, बता रहा हूं तुझे। तूने मेरा प्यार ठुकराया ना, मेरा, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं मैं। याद रखिए, खत्म नहीं हुआ है। क्या धमकी लग रही है तेरे को? धमकी लग रही? नहीं, धमकी नहीं लग रही है, धमकी है ये। सोचना, आज तक तेरी हर जिद, हर चाहत पूरी की है ना उसने। अरे तू अपना तो छोड़ यार, मतलब तेरे सन की खूसट बाप को झेल लिया उसने। कड़वी कॉफी से लेके हॉस्पिटल के चक्कर तक, मतलब तुझे लगता है ऐसा कोई समय था जब उसने तेरा साथ या हाथ छोड़ा? आज वो हाथ छोड़ा के जाना चाहता है, तू जाने देगी उसको? निया, तुमने हमारी प्रेम कहानी पूरी करवाई है, अपनी अधूरी छोड़ दोगी? बोल दो निया प्लीज, यही टाइम है। बाबा एक बात समझ, खुद से तय कर कि उस इंसान की अहमियत तेरी जिंदगी में क्या है, उसके बाद तय कर कि तुझे उसे रोकना है कि नहीं। ना तो ना, और ढंग से सोच लेना एक बार बाबा। अगर हम दोनों अभी भी डेट कर रहे होते तो क्या होता? मेरे लिए तो फुल एंड फाइनल था। मुझे तो रिलेशनशिप चाहिए था। ऐसे अकेले तो नहीं रहना था यार, मैं और नहीं रहना चाहता यार ऐसे अकेला। नहीं, कोई तो चाहिए ना जिसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकूं यार। रुकना है या नहीं? क्या मैं भी आता हूँ? और हम वेट करते हैं। वेट ही करना पड़ेगा। बाय करो, सब ठीक कर दो। हेलो श्री कबीर, कहाँ हैं? कबीर, कबीर निकल गया यार। निकल गया? हाँ। ऐसे कैसे निकल गया? मतलब उसकी तो शाम की फ्लाइट थी ना? हाँ, पर वो 1 घंटे पहले ही निकल गया फ्लाइट लेके। कहाँ? पता नहीं, लखनऊ तो नहीं गया, वो बता के नहीं गया यार वो। नहीं, लेटर देकर गया।
लेटर। हाय बेस्ट फ्रेंड, मुझसे एक गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। जब मैं किसी और के साथ था तब भी ऐसा लगता था जैसे मैं तेरे साथ हूँ, पर ये बात मैं तुझसे कह नहीं पाया और उस गलती की सज़ा मिल रही है मुझे। अब पता चल रहा है कि तुम कब की आगे बढ़ चुकी हो। मैं कितना भी प्यार करूँ तुमसे, लेकिन जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो हमारे बीच कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जानते हुए मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। प्यार करता हूँ तुमसे, मैं दोस्त बन के नहीं रह पाऊँगा, इसलिए जा रहा हूँ। याद है मैंने एक बार कहा था कि मैं हमेशा तेरा इंतज़ार करूँगा? सॉरी, पर अब नहीं कर पाऊँगा। I love you. Goodbye. इसीलिए उसका उसका फोन बंद है। अभी तक बात नहीं की है मैंने उससे। हो जाएगी बात। नहीं, उसको पूछना चाहिए था ना कि मुझे मैंने बात ही नहीं कर रखी है अभी तक। करेंगे। मैंने कन्फेस भी नहीं किया डैड अभी तक। नहीं हो सब नहीं, वो मुझे बोलना है उसको तरह। मेरे को बोलना है ना डैड, बोला भी नहीं है मैंने तो अभी तक। ए सुनो, हेलो। अरे तुम नहीं खा सकती सब कुछ? क्यों? तुम्हारे लिए नहीं, तुम नहीं खाओ। नहीं खा सकती मतलब? ये कहाँ लिखा है कि मैं नहीं खा सकती? यार ये लिखा नहीं होता है सब कुछ, ये समझने वाली बात होती है। खतरनाक है तुम्हारे लिए यार, क्या कर रही हो तुम? खतरनाक है? अभी तो इतना सब खा रही थी, अब ये खतरनाक है? अरे यार तुम्हें क्या पता किसने बनाया है, कैसे बनाया है, हाथ धुले थे कि नहीं धुले थे, जिस बर्तन में मसाला बनाया वो धुला था कि नहीं धुला था, समझो कुछ है, समझने की कोशिश करो, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है आपको, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? मैं तो खा रही हूँ। अरे सुनो, तुम समझती क्यों नहीं हो ये? अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, एकदम साफ सुथरा है, कुछ नहीं है, सब सही है। गुनी जी आप खाइए बिंदास। एग्जैक्टली 50 बार खा चुके हो आप भी, यहीं से खा चुके हो और अब आप डर रहे हो। क्या अंकल जी, आप एक काम करो, ये वाला ट्राई करो, ये बहुत सही है। आप ना फालतू में डराते हो अंकल जी, क्यों खाओ ना चुपचाप। सुनो सुनो, तुम छोड़ो उसको, तुम यार बोल रहे हो मत खाओ तो मत खाओ यार। अंबर जी मैं बीमार नहीं हूँ, सिर्फ प्रेगनेंट हूँ और प्रेगनेंट औरतों को तो कुछ भी खाना चाहिए। हो गया। तुम ऊपर वाला यमराज मुझे बुला नहीं लेगा ना, तब तक मैं तेरी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला। इसे तुझे सबसे ज्यादा अजीब क्या लग रहा है? कैसे शुरू हुआ है ना ये सब, मतलब पहले फ्रेंड्स थे, फिर जब तूने कन्फेस किया तो यूएस करियर डैड ये वो, फिर जब मैंने कन्फेस किया तू सुरा के साथ था। और जब दोनों साथ में है तो समझ नहीं आ रहा कि बिहेव कैसे करूं। क्या करें फिर? अभी काम करते हैं, इन दोनों को कबाब खाने देते, इन जोकरों को हम लोग चलते हैं घर। आओ चलो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? कैसे कैसे हुआ? चुप चुप चुप। क्या चुप 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 चुप? सबको बता रहा हूँ अंकल जी, I'm very impressed। आपने तो सीधा छक्का मारा out of the stadium। ओए मटरोनी,
पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं, हो गया हल्ला गुल्ला बिल्कुल बंद। क्यों नहीं बताने शहर को? नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत 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 बहुत। और एक मिनट, कहाँ चलना, ये सब ऑर्डर किया, खाएगा कौन? हाँ, खाओ। हाँ? देखिए अंबर जी, आपने एक प्रेग्नेंट औरत के मुंह से निवाला छीना है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बात तो करेक्ट है, बेबी भी अंदर से बोल रहा होगा नो कबाब छीन लिया मेरे मुँह से, रो रहा होगा अंदर। सुनो सुनो, तुम लोग घर चलो, मैं अपने हाथ से तुम्हें इससे बेहतर कबाब बना के खिला दूंगा, ठीक है? प्रॉमिस है। नहीं, सेलिब्रेट करेंगे आज, इतनी बड़ी खबर है, यहां से सेलिब्रेट करेंगे, घर चल के करेंगे, तो क्या बहुत है, क्या प्रॉब्लम है, यहां करते ना। वैसे टाइमिंग क्या है ना, यहां पे बेबी आ रहा है, वहां पे बेबी। हम लोग रोमांटिक डेट्स पे जा सकते हैं, वीकेंड ट्रिप्स, कपल स्पा, डांस क्लासेस, पॉटरी, पेंटिंग। क्या है ये सभी? सब कपल एक्टिविटीज है ना, तूने कपल एक्टिविटीज सर्च किया? हाँ। क्या तो पोस्ट की चीज है ना, कपल बनने के बाद की चीज है, हाउ टू बिकम अ कपल, वो सर्च करना पहले। अरे यार पर वो थोड़ी इंटरनेट से मिलेगा, आई मीन वो तो नेचुरली होता है ना, कि मतलब तुम किसी से मिलते हो, वो तुम्हें बहुत पसंद आते हैं, फिर तुम उन्हें जाके बताते हो कि तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो, फिर वहां बोल देते हैं और तुम कपल बन जाते हो। राइट। पर ये नॉर्मल लोगों के साथ होता है, अब फ्रेंड्स से कपल कैसे बनते हैं, इसके लिए भी तो कोई टिप्स होते होंगे ना। जैसे मेरी आंखों में आंखें डालो निया, पत्तियां बुझा तू क्या निया। क्या क्या ये? मुझे नहीं पता, तू बताना, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, और क्या, तुझे नहीं पता? राइट ऑफ कोर्स तुझे कैसे पता होगा, चार दिन पहले तक तो मैं कपल थी ना। राइट right? Listen, okay. वो अलग बात थी, okay? ये बहुत ही अलग है, this is very different. ये, क्यों? This is you and I'm madly in love with you. Right, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना, I also love you, yeah. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.